हेलो नमस्ते। आज हमारा रेसिपी है मोमोस है। फिर मोमोस सब लोग कैसे बनाती है, मैं कैसे बनाती करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। फिर बहुत टेस्टी है ना ये, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो घर में ही बनाती है ज़्यादातर, बाहर से बहुत कम लेती है। कभी कभार मन करता है ना बाहर से लेने के लिए तो ले लेती है। तो जल्दी बना सकते हैं, एक कढ़ाई ले लीजिए, फिर उसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए। तो इधर नॉर्थ में वगैरह ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो वही डाल दीजिए। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। पेस्ट है तो भी सही है, नहीं तो थोड़ा छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं, पेस्ट ही ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसमें उसके बाद ग्रीन चिली बहुत छोटा छोटा करके राउंड करके काट के डाल दीजिए इसमें। फिर अच्छे से फ्राई कर दीजिए, एकदम ब्राउन नहीं होना है, अच्छा स्मेल आना चाहिए इसमें ना, ग्रीन चिली का और स्मेल आना चाहिए। फिर शिमला मिर्च है ना, शिमला मिर्च बहुत बारीक काटना है, फिर उसमें डाल दीजिए। मोटा करके काटा तो ना फिलिंग करने में दिक्कत पड़ेगा। फिर ये भी उसके साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। वेजिटेबल जितना डाल देना उतना अच्छा होता है ना। फिर ओनियन भी डाल दीजिए, बहुत छोटा छोटा करके काट के। अगर ओनियन नहीं खाते तो कई लोग नहीं खाते हैं ना ओनियन गार्लिक वगैरह, तो वो मत डाल दीजिए, वो स्किप कर दीजिए। फिर बाकी जो वेजिटेबल है ना वो डाल के भी बना सकती है। फिर उसके बाद है ना नमक डाल दीजिए। प्याज डालने के बाद है ना हम लोग तुरंत नमक डाल देती है, क्योंकि प्याज जल्दी पक जाती है ना इसलिए। फिर उसके बाद है ना गाजर भी, कैरेट हाँ गाजर भी ऐसा कद्दूकस करके उसमें डाल दीजिए, काट के मत डालना। उसमें ये मोमोस छोटा सा है ना, फिर उसमें फिलिंग करने में दिक्कत पड़ेगा। उसके बाद तो पत्ता गोभी डाल दीजिए, वो भी वेजिटेबल कटर है ना उसमें तो बहुत नाइस काट सकते हैं हाथ से। तो हाथ से जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले को तो हाथ से भी अच्छे से बहुत छोटा करके काट सकती है। तो इसमें मैंने ज़्यादा पत्ता गोभी डाल रखी है, कैबेज, फिर गाजर भी डाली है। आपको अगर पत्ता गोभी नहीं डालना है तो गाजर भी ज़्यादा डाल सकती है, फिर सोया भी डाल सकती है। उसके बाद है ना इसमें हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर डालती है, काली मिर्च, वो टेस्ट बढ़िया रहता है ना, इसलिए मैंने केरला से लेके आया काली मिर्च, फिर घर में पाउडर बनाया। फिर ग्रीन चिल्ली पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, ये सब फास्ट फूड में जो जो डालते हैं ना वो डालना है। फिर उसके बाद शुगर भी डालना है। शुगर क्यों डालती है आपको पता है, इतना चटपटे में शुगर भी डालते हैं तो उसका फ्लेवर भी बढ़िया रहता है, फिर टेस्ट भी अच्छा आ जाती है, पता भी नहीं चलेगा, ऐसा ज़्यादा मीठा भी नहीं रहता है, सब मिक्स हो जाते हैं ना शुगर डाल दिया करके तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन टेस्ट के लिए आप लोग नहीं डाल दिया तो कभी बनाए तो डाल के देख लीजिए। फिर ये मेरा सब रेसिपी है ना, आप लोगों को पसंद आया तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है यमुना वास करके। फिर आप लोग कमेंट भी डाल दीजिए, कमेंट डाल दिया तो अच्छा लगता है ना, फिर दोबारा भी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आने के लिए मुझे अच्छा लगता है, फिर इसलिए आप लोग कमेंट भी डाल दीजिए। फिर आप लोगों का फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, ओके। उसके बाद है ना ये फिलिंग तो रेडी हो गया, ये तो हाई फ्लेम में जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। उसके बाद ये ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। फिलिंग करने में ना ये गरम गरम फिलिंग नहीं करती है, ये तो ज़्यादा लोगों को पता चलता है, फिर भी ये जो स्टार्टिंग जो खाना वाना बनाने के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग के लिए मैंने बोल रहे हैं,
ठंडा होने के बाद जो भी फिलिंग है ठंडा होने के बाद ही फिल करती है, ठीक है। उसके बाद मैदा लेना है। मैदे का मैंने पहले ही बोल रहा है, मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा फास्ट फूड में ना मैदा तो मस्ट है। फिर इसमें मैदा ले लिया, उसके बाद हम थोड़ा सा तेल भी डाल दीजिए, फिर गुनगुना पानी में मिक्स करना पड़ता है। सादा पानी मत लेना, ज़्यादा गर्म वाला भी मत लो, गुनगुना पानी में हल्का वार्म वाटर ना, उसी में आप हाथ से ऐसा देख रहे हैं ना जैसा मिक्स कर दीजिए। फिर इसका डो बहुत अच्छा सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, तो कितना सॉफ्ट बनाती है उतना मोमोज टेस्टी बनती है। उसके बाहर का वो जो लेयर है ना वो हार्ड बन गया तो खाने में मज़ा नहीं आता। फिर उसके बाद है ना वो भी बना के रखती है, फिर जल्दी फिर आपको बना सकती है ये वाला छोटा रोटी जैसा ना बैलेंस से कर लेती है। तो इसमें शेप वगैरह आने में दिक्कत नहीं है, ये राउंड आना ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसा बैलेंस करके उसमें फिलिंग देख लीजिए आप कैसे फिलिंग, ऐसा चम्मच से डाल दीजिए। वो डालते तो हम लोग को अंदाज आ जाती है कितना डालना है करके, तो एक चम्मच डाल दीजिए, अगर ज़्यादा है तो कम कर दीजिए, कम है तो और थोड़ा डाल दीजिए, वो तो अपने हिसाब से बनाती है ना। फिर ऐसा शेप बना दे आप, मतलब आपने अलग अलग शेप का मोमोज देखी होगी ना, मैं तो पहले तो एक ही शेप का ही खाया है, अभी तो ऐसा वाला भी आ रहा है, बहुत अच्छा शेप है ये, फिर हाथ से जल्दी बना सकती है। ये तो मेरे बेटी तो एक्सपर्ट है ये बनाने के लिए, तो वही बनाती है, मेरे को इतना स्पीड नहीं मिलता है। तो वीडियो करने के लिए वही सारा किया है। फिर मैंने खाके भी देखी, बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी बनाया। फिर है ना इडली वाला ऐसा बर्तन होगा ना उसी में रख दीजिए, फिर स्टीम में ही बनती है ना, तेल में नहीं है, वो भी सबको पता होगा ना, इसलिए इसमें क्या तेल भी बहुत कम यूज़ करती है ना, थोड़ा सा वो डो बनाते तो उसी में डालती है, फिलिंग बनाते तो उसी में डालती है। फिर ये स्टीम आ गया, पानी डाल दिया, फिर उसके ऊपर ये वाला रख दीजिए, फिर 10 मिनट में ये पक तो बन जाएगा। 10 मिनट में तो जल्दी बनेगा, ज़्यादा काम नहीं है इसमें। फिर बच्चों लोग कभी बोल लेते हैं ना मोमोस खाना है बोला, तो अपना घर में ही बना के दे दीजिए। फिर इसके साथ है ना चटनी घर में भी बना सकती है, मैंने तो ये शेजवान चटनी है ना रेडीमेड जो मिलता है उसी में से ही खाया है, तो बहुत टेस्टी है वो चटनी। फिर आप सब लोग को ये मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।